उस ज़माना भी कितना कमाल का था जब फ़ोन वायर से बंद होते थे और हम लोग फ्री होते थे, लेकिन अब फ़ोन फ्री हो चुके हैं और हम लोग फ़ोन से बंद हुए होते थे। दोस्तों पहले हम उस फ़ोन को यूज़ करते थे और अब फ़ोन हम लोगों को यूज़ करते थे। सेल्फीज कहाँ से आई पता है दोस्तों? अब भी हम मेरी तरह सेल्फी लेते होंगे, लेकिन जितना खुश आप अपने फ़ोटोज़ में दिखता है क्या रियल लाइफ में सच में इतना सुंदर दिखता है? अपने आप को देखिए और अपने फ़ोटोज़ को देखिए। अगर आपसे ज़्यादा आपका फ़ोटोज़ ज़्यादा सुंदर दिखती है तो ये टॉपिक आपके लिए। दोस्तों कुछ साल पहले दुनिया कितना कमाल का था, आपस में बातचीत होती थी, वेल अभी भी होती है लेकिन ऑनलाइन होती है। ये कुछ फ़ोटोज़ को देखिए, ये कुछ कहने जाती है आपको। लोग आज का डेट में सबसे ज़्यादा दुखी है क्योंकि वो दूसरे को खुशी देख रही है। किसी ने कमाल की बात कही है कि खुश वही है जो आपके काम में लगा रहती है और दुखी वही है जो दूसरे को देखकर जलता है। सोशल मीडिया पर हम सब दूसरे को खुशियाँ देखते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, पेन ये सब तो शेयर नहीं की जाती ज़्यादा। सोशल मीडिया पर हम लोग एक दूसरे को खुशियाँ देख कर खुद को डीमोटिवेट कर लेते हैं। इस दुनिया में सब फेक चल रहा है कुछ दिखावे के लिए। एज ए मोमेंट में तो हम लोग रह ही नहीं पा रहे। अगर कुछ दिखाने को नहीं है तो आसमान का फ़ोटो खींच कर डाल रही है। अरे अगर कहीं घूमने गई तो उसे फील करो, उसे महसूस करो, ना कि फिल्टर लगाकर आप उसे फेक बनाओ। दोस्तों क्या आप जानते हो कि इंसान का अंदर जीनियस कब बाहर आती है? तब नहीं बल्कि जब वो कुछ कर रही है, बल्कि तब जब वो फांका बैठी है, खाली बैठी, कुछ नहीं कर रही है। और दिन में ऐसा एक टाइम ज़रूर होना चाहिए आपके पास जब आप कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग सोचने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल है। तब हम लोगों का दिमाग में बहुत सारा नए नए आइडियाज आती है। तब हम लोग को सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम लोग दो मिनट के लिए तो खाली नहीं बैठे हैं, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। एक मिनट भी मिलता है तो हाथ जेब में चला जाता है और फ़ोन को भी बिना कोई काम की वजह से उठा लेते हैं। कोई काम होगा तो भी उठा लेगा, कोई ना काम होगा तो भी फ़ोन उठा लेते हैं। पूरी दुनिया इसके चक्कर में है, खुद का पोटेंशियल को बर्बाद कर रही है। जानते हो हमारा खुशियाँ का सोर्स कहाँ से आती है? दिखावा करना। अगर हम लोग सही से दिखा पाते हैं तो खुशी हो जाती है, वरना दुखी हो जाते हैं। और आज का डेट में इंसान एवरेज 7 से 8 घंटा अपना फ़ोन के पीछे पड़े। इमेजिन करो अगर उसमें से 4-5 घंटा अपने लिए, खुद के लिए टाइम वेस्ट करें, को डेवलपमेंट करने में, कुछ नया लर्निंग सीखने में, तो आने वाला सालों में सोचिए हम लोग कहाँ तक पहुँच पाएंगे। दोस्तों टाइम रहने तक आपको फोकस करना चाहिए अपने करियर के ऊपर, अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर। माना कि हम सब लोग आपस में मोबाइल फ़ोन से जुड़े हैं, इसकी वजह से ना जाने कितने लोगों का ज़िंदगी बन रही है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा कई लोगों का ख़राब नहीं हो रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया छोड़ दो, मैं बस खाली ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का आप अपने ज़िंदगी का एक पार्ट बनाओ जिसे आप खुद बैलेंस कर पाओ।